असलम नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब सलमा बेगम आती है मीरब के पास तो कहती है कि बेटा अब बस मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार पिछली बातों को दोहराऊं, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है और इस घर में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ रहना है। तो ये बात सुनती मीरब तो कहती है कि माँ आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, इस घर में जैसा आप चाहेंगी उसी तरह मुझे रहना पड़ेगा। सलमा बेगम कहती है कि नहीं बेटा, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी तुम पर, मैं जानती हूँ कि तुमने कैसी जिंदगी गुजारी है, लेकिन अपने आप को हमारे लिए बदला, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन अब तुम्हें पंचायत के फैसले भी करने होंगे और घर की सारी जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। तो मीरब कहती है कि आप तो जानते हैं ना कि मैं जरा कमजोर हूँ इन सब चीजों में। तो कहती है सलमा कि मैं किस लिए हूँ बेटा, मैं तुम्हें समझाऊंगी ना हर बात और तुम्हारा साथ भी दूंगी। तो कहती है मीरब ठीक है माँ, अगर आप मेरे साथ होंगी तो मुझे किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ फिर से संभालने की कोशिश करूंगी और इस बार इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि हया ये सारी बातें सुन लेती है, बहुत उदास होती है और रोती है। ये कमरे में जाती है तो ऊपर से आ जाती है मरियम, तो कहती है क्या हुआ हया, तुमने ये रोना धोना क्यों डाला हुआ है। तो कहती है हया कि मैं क्या करूं, मैं मंजिल के पास पहुंचती हूं और मीरब मुझे बहुत ही दूर भेज देती है। आज फिर मीरब ने ऐसा ही किया है, मुतसिम मुझसे बहुत नज़दीक आ चुका था लेकिन मीरब के आने से अब तो वो मुझे पहचानता भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करता, मैं क्या करूँ मरियम। मरियम कहती है कि तुम अपने आप को संभालो और इस बात को जहन में बिठा लो, मुतसिम सिर्फ मीरब का और तुम्हारा कभी नहीं होगा। जब ये बात सुनती है तो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, भला मैं इन सारी बात को कैसे मान सकती हूँ, दिल में कैसे इस बात को महसूस करूँ, जब ये सब सोचती हूँ तो बहुत ही परेशान हो जाती हूँ और मेरा दिल बंद हो जाता है। मरियम कहती है कि देखो मैं अब चाहती हूँ कि तुम मीरब और मुतसिम के दरमियान से निकल जाओ, अपनी ज़िंदगी में खुश शादो आबाद रहो। ये सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।